हेलो डॉक्टर्स. ओके, तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 4 सेकंड. अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार. व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट टी इक्वल टू 6 सेकंड्स. अरे भाई, अच्छी बात है, चलिए फाइंड करते हैं. तो इधर मेरे पास एक चीज समझनी है कि वेक्टर्स के फॉर्म में मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. तो फॉर इनिशियल 4 सेकंड्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में थी वेलोसिटी, ठीक है. तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो आई कैन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी टू बी वी एक्स इज इक्वल टू. सर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही होगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, प्लस 80. ओके, तो वी एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो वी एक्स मेरे पास आ गया. नाउ इसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड्स. मतलब ये 4 सेकेंड हो गए ना, उसके बाद के 2 सेकेंड, ठीक है. तो फाइंड करते हैं. नाउ लुक, वी एक्स तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है. ओके, द बॉल विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. बट अब क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो इट्स पाथ विल बी चेंजिंग लाइक दिस, ठीक है. इट्स पाथ विल बी चेंजिंग. तो फाइंड करते हैं भैया वी वाई. तो वी वाई इनिशियली इट वॉज 0, ठीक है. तो बस वी वाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जी इंटू टी. लेटेस्ट टेक जी टू बी इक्वल टू 10. जी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लिखा ही है, ओके, मैं नहीं ले रहा, लिखा ही है. ओके, 10 और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर 2, तो मेरे पास आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, देयरफॉर भैया ये वी एक्स आ गया, ये वी वाई आ गया, ठीक है. तो हमको वी मिलेगा ना, क्या मिलेगा सर, वेक्टर वी जो होता है ना, वी वेलोसिटी, वो मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करूँ तो दैट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो ओवर हियर आई विल गेट वी टू बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. देयरफॉर वी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 20 स्क्वायर, और सिंपली v is equal to 20 root 2 meter per second. Okay. And what else we have been asked? Bhaiya, acceleration. So acceleration is only due to gravity. So phir acceleration is equal to mere paas 10 meter per second square hi rahega. Theek hai? That's it. See you next time. Bye bye.